हाँ दोस्तों, हाँ ठाकुर, तो एक बढ़िया सा सवाल आया था कि मतलब 6 डील महीने में कैसे क्लोज करें। बहुत सही है सवाल। कितने लोग चाहते हो कि 6 डील क्लोज करना, तो लास्ट तक वीडियो देखो और एक एक बात को नोट कर लो। इनको सही तरीके से करोगे तो आप जरूर कर पाओगे। तो पहला जो मेरा जवाब होगा, 6 क्वालिटीज़ बताऊंगा जो आपके अंदर होनी चाहिए, तो ये 6 डील क्लोज हो जाएगी। बाकी तो नंबर्स का गेम है। पहला है कि लोकल मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए आपको, एक्सपर्ट होना चाहिए आपको। कहाँ पे क्या प्राइस चालू है, क्या नया आने वाला है, क्या बिक गया, वो कब बना था, रियल स्टेट के हर एक चीज़ का, अपने एरिया के 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक का एक अच्छा खासा मतलब एक्सपर्ट बन जाओ बस। क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसी के हिसाब से आपके डील क्लोज होंगे। तो पहली क्वालिटी क्या है, एकदम मार्केट एक्सपर्ट। सेकेंड सेकेंड क्वालिटी आती है कि बिल्ड रिलेशनशिप आपको, मतलब मैं रियल एस्टेट बिजनेस को इतना मानता हूँ कि रिलेशनशिप बिल्ड करने का बिजनेस है, फ्रेंडशिप बनाने का बिजनेस है। उससे क्या होता है, ट्रस्ट आ जाता है। आप सोचो कि आपका कोई दोस्त है तो जाके दूसरे से नहीं लेगा ना कोई सामान, आपसे ही लेगा। तो दोस्त कैसे बना था, कभी तो आपने बनवाया था ना, कभी तो शुरुआत की थी। तो ऐसे नए दोस्त बना लेना है। तो मैं क्लाइंट को अपना दोस्त बहुत जल्दी बना लेता हूँ। कैसे बनते हैं वो दोस्त, हम पीपल स्किल, अगेन कम्युनिकेशन स्किल रहती है। सबसे मिलनसार रहो, हंस के बात करो, अच्छा कपड़ा पहनावा आपका हो, आपके सच्चाई से बात करो। तो ये सारी चीज़ों के बाद आप दूसरे में इंटरेस्ट लो, मतलब महीने की। तो सेकेंड क्वालिटी, पहला मार्केट का एक्सपर्ट, सेकेंड फ्रेंडशिप बनाते रहो। फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप एंड बिजनेस है, बिजनेस है, डायरेक्ट बिजनेस नहीं करने का। पहले फ्रेंडशिप करने का फिर बिजनेस करने का, उसको ऐसे नहीं लगे ये सेल करने के चक्कर में, ये ब्रोकर को क्या है, इसको तो बेचना है, ये मेरे पीछे पड़ा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है। थर्ड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब कैसे इफेक्टिव, क्या कम्युनिकेशन तो सभी करते हैं, बट कोई मेल आया तो कैसे आप उसका एकदम अच्छा आंसर कर रहे हो, मैसेज है तो कितना अच्छे से आंसर कर रहे हो, कॉल है तो कितना प्रॉम्प्टली आप आंसर कर रहे हो, कितना हर चीज़ तुरंत। ऐसे नहीं कि 3 बार घंटी गया फिर आ रहा है, आप टाइम का अकाउंटेबल टू योर टाइम मनी वर्ड ये सारी चीज़ें। तो आपको कम्युनिकेट अच्छा करना आना चाहिए। दो दो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनसे समझो कॉन्फ्रेंस कॉल करना है, सर ये है, दोनों से कैसे बातचीत कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। ये पूरा धंधा क्या है, बोल बच्चन है अपना, कम्युनिकेशन का है ना। सामान तो क्या बेचते हैं आप, उन्हें कोई थोड़ी ना सामान ला के रखा और बेच रहे हैं, ऑलरेडी इन्वेंट्री है, बायर है सेलर है, दोनों को मिला रहे हैं। पर कम्युनिकेशन स्किल है जो आप दोनों को जोड़ के रखते हैं। ईगो मसाज करना आना चाहिए, सबके अपने अपने ये रहते हैं, सबके साथ एडजस्ट करने का, थोड़ा तारीफ़ वगैरह करने का, सब तारीफ़ के भूखे हैं दुनिया में, समझ रहे हो। तो ये कम्युनिकेशन स्किल करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगली जो चौथी क्वालिटी है, नेगोशिएट करना आना चाहिए। जो बंदा इसमें अच्छा नेगोशिएट कर लेता है वो आदमी मास्टर है। अगर मुझे रियल एस्टेट में जो भी पैसा मैं कमाता हूँ, 80% मेरे नेगोशिएशन स्किल के कारण कमाता हूँ। मैं कभी ज़्यादा दिखाने नहीं गया, मैं बहुत भागता नहीं हूँ, बट अगर बंदे को पसंद आ गया तो मैं वो डील 100% क्लोज कर डालता हूँ। वो आदमी ने सोचा भी रहा ना, मैं इससे कम तो नहीं आऊँगा, ये बॉटम रॉक बॉटम है, नो रिग्रेट प्राइस है, उसके बाद भी उसको तोड़ता हूँ। मेरे को नॉर्मल लाइफ में भी मज़ा आता है। वाइफ जाएगी कोई सामान लेके आएगी, कितने का लिया, इतने का, वो ने इतना नेगोशिएट किया, इतने का था इतने में, बोलता हूँ चल कल लेके आऊँगा, कुछ भी करके मैं उससे कम में लेके आऊँगा। मैं हमेशा चैलेंज ही करते रहता हूँ कि मेरे से हार्ड नेगोशिएटर कोई है नहीं। तो वो कैसे आएगा, अगेन प्रैक्टिस से आएगा। मैं पहले दिन नहीं था, पैदाइश ही नहीं आता था मेरे को नेगोशिएट करना, प्रैक्टिस कर करके, फिर थोड़ा पढ़ता था, थोड़े वीडियो देखता था, लोगों से सीखता था, सीखते रहने का। पर नेगोशिएशन स्किल आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। आप ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हो चीज़ों को, सोशल मीडिया कैंपेन, मतलब लीड जनरेशन का आपके पास कोई ना कोई एक प्रोन सिस्टम होना चाहिए। लीड नहीं रहेगी तो आप 6 क्या क्लोज करोगे। मैं आपको बोलता हूँ 600 लीड दे दो, 6 ऐसे ही क्लोज हो जाएंगे। महीने में 600 कोई मुश्किल नहीं है। रोज 50 कॉल करोगे आराम से, कुछ ना कुछ मतलब 100 में से 1 ले ही लेता है। अब आप कुछ भी कर डालो, मैं एक एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, मतलब कि कोई वन शॉट में ना 50 नो सुन के दिखा दे,
बोलता है ना बिजनेस में लोग नहीं आते, ये होता है, लेते नहीं है, ऐसा है, क्लाइंट है, ये वन शॉट में 50 नो सुन के दिखा दो, नाम बदल ला दूंगा। ऐसा होगा ही नहीं कि सबके सब टाइम पास आ रहे हैं। आप करोगे 40वां हाँ बोल देगा, 45वां हाँ बोल देगा, मैं बोलता हूँ फिर से स्टार्ट करो अगर हाँ बोल दिया तो। पर पूरी जिंदगी एक कोशिश करते रहो कि मैं 50 नो वन शॉट वो सुन के दिखाऊंगा, तो आप नहीं कर सकते ये चीज को। इसका मतलब क्या है, मेरा काम है कि रोज मैं 50 को बुला दूं, तो बाकी सब नंबर का गेम है ना, ठीक है। तो लीड जनरेशन में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, आप कैसे लीड निकालते हो वो अगर आपके पास है तो टॉप कर जाओगे। तो 5 हो गई। उसके बाद आपको लीगल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, पेपर वर्क में भी एक्सपर्ट होना चाहिए आपको। कहीं कहीं डाउट आ जाते हैं, कैपिटल गेन क्या है, TDS भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, MOU क्या है, एग्रीमेंट टू सेल कैसे है, सेल डीड कब होगी, इसमें क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, मतलब मेल में कुछ है तो वो थोड़ा सा आपको कि पेपर कैसे, टाइटल सर्च रिपोर्ट बनती है, बैंक को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, सोसाइटी बन गई तो क्या है, आप ये थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर होगी तो सामने वाला देख के उसको लगेगा ये बंदे को सब कुछ आता है। कई लोग हैं जो सुपरफिशियल आधे अधूरे नॉलेज के साथ जाते हैं काम करने और फिर रोता गया और मरे की खबर लाया, मतलब वो पैसे के पीछे हैं पर अच्छा डीप नॉलेज नहीं है उनको, ऊपर ऊपर का नॉलेज है उनको। तो आपको कैसे, जरूरी नहीं कि आप लॉयर बन जाओ, बट मुझे फाइनेंस भी पता है कि भाई लोन के लिए क्या पेपर लगते हैं, NRI केस में कितना TDS अप्लीकेबल होता है, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या फ़र्क होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको मदद करती हैं, दूसरों से सेपरेट करती हैं कि भैया इसको अच्छा खासा नॉलेज है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर और बताऊँ तो लास्ट जो है वो है आपको एक बढ़िया लिसनर बनना पड़ेगा, लोगों की नीड समझो, आस्क राइट क्वेश्चन, उनसे पूछो क्यों ले रहे हैं, कितना बजट है, यहीं पे क्यों ले रहे हैं, आगे क्या है, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड, मैं उसको बोलता हूँ प्रोफाइलिंग करना। तो उससे क्या होता है, आप क्या पिच कर रहे हो आपको समझ में आएगा, ये बंदे का बजट कितना है, ये क्या इसका टेस्ट है, वो समझ में आएगा। तो आपको ये बहुत है कि हम बोलते हैं ना दो कान दिए हैं और एक मुंह दिया है, तो इसी रेशियो में यूज़ करना चाहिए। डबल लिसन करो और आधा बोलो। लोगों को सुनने वाले लोग बहुत पसंद रहते हैं नॉर्मली, जिसको आ गया नॉलेज है, मान लो कि आपको सब एरिया का नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है पेपर का, तो आप ही बोलते रहो अरे सर ये है वो है, वो बेचारा ऐसे बैठा ही रहता है। मैं तो तब बोलता हूँ जब मुझसे पूछा जाता है कि सनत आप क्या कहते हो इसके बारे में, आपका क्या जा, तब मैं बोलता हूँ, ना कि मैं बोलता हूँ कि नहीं तो आप लोगों करते रहो, जहाँ ज़रूरत है बोलता हूँ। मैं सेलिंग को ये समझता हूँ कि सही क्वेश्चन पूछना है बस, आप इसी को क्यों ले रहे हो, अगर वो बोलता है कि महंगा है आपको क्यों लगता है महंगा है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर जहाँ ज़रूरत होती है कि जहाँ पे एकदम हथौड़ा एकदम अभी लोहा गर्म है मारो तब मारता हूँ। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर रहेगी तो 6 डील आराम से आप कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि मैंने बताया दो चीज़ों पे फोकस करो, लीड जनरेशन का तो सिस्टम होना ही चाहिए और बाकी तो जो है आपकी ये स्किल है उनको आप बढ़ाते रहो। कैसे बढ़ाओगे, वीडियो सारे देख लो, बुक्स थोड़ी सी पढ़ो, इससे आपकी ये सारी चीज़ें जो है बढ़ जाएंगी। तो ये 6 डील करने का तरीका था। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।